ओहो फंस गए हम। ओ आरएस की ओए 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 नीचे उतर मैं निकालता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हैं और मैंने हेलमेट लगा दी, हेलमेट में अपना गोप्रो फिट कर दिया। आज हमारे साथ साजिद भाई भी है राइड पे, इनके पास है RS 200। तो और हम राइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी जस्ट हम निकले हैं यहाँ से बठिंडी से। आज की जो राइड है एकदम खतरनाक होने वाली है। वीडियो जो मेरी थी वो उसमें ज़्यादा व्यू आए थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप सब ने इतना सपोर्ट दिखाया मेरे को। और उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए, बुरे कमेंट भी आए, बट मैंने अच्छे को देखना है। अगर मैं बुरे को देखते रह गया तो मैं फिर यहीं रह जाऊँगा। तो इस वाली वीडियो पर भी सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो और शेयर करो। देखो देखो बीच में आ रहा है बंदा। हेलमेट लगे हमें दोनों यार, पकड़ेगा कौन? तू मेरे साथ आ। जम्मू में बारिश थी और मौसम बहुत प्यारा था, तो मैंने सुबह भी रील बनाई थी, जा रहा हूँ व्लॉग शूट करने हैं, तो रील भी बना लेंगे हम वहाँ पे। और RS 200 वाला बड़ा खतरनाक चल रहा है आज। रोड पे स्लिप भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा तेज चलेंगे तो नुकसान है हमारा ही। जम्मू में आज बहुत टाइम बाद हो रहे जम्मू में आज बहुत टाइम बाद बारिश पड़ी है। बाइक राइड करने का मजा लेते हैं और बारिश का भी मजा। इस ब्लॉग एंड तक जरूर देखना, आप ब्लॉग एंड तक नहीं देखते हो। मैं यहाँ से वापस घूमना, क्योंकि इस मोड वाला वहाँ पे रोड बंद होती है, हमें यहाँ से घूमना पड़ेगा, इतना लंबा काट लेना पड़ता है यार। तो भाई मौसम देखो आप, कितनी ज़्यादा सर्दी है आज। और RS 200 वाला आगे देखो क्या कर रहा है, इसके कारनामे अलग ही होते हैं, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। और सामने धुंध पड़ी हुई है, आपको पता नहीं कैमरे में नहीं दिखाई दे रही क्योंकि कैमरे में लो लाइट का आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आगे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। भाई साहब हो क्या ठंड है, और वाइजर पे स्मोक बन रहा है, वाइजर पे स्मोक बन रहा है, बट अगर वाइजर खोल के चलेंगे ना तो सर्दी से हालत खराब हो जाएगी, इसलिए वाइजर क्लोज करके चल रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सीन है यार ऐसा, ये RS 200 में पेट्रोल हुआ ख़त्म, तो बाकी मेरी वाली में तो दो डंडे हैं, मत मेरी वाली कहीं नीचे बैठ जाए। तो बस अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पहले, तो चलते हैं पहले पेट्रोल पंप। और मेरा कज़न बैठ गया उसके साथ पीछे, तेल डलवा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोड करने, सिर्फ दो बंदे। और RS 200 वाला ये बड़ा तेज आ रहा है पीछे से, वहाँ से हमें नीचे जाना है, ना खतरनाक ऑफ रोड है ये। अपनी बाइक आगे डाल, बड़ा खतरनाक ऑफ रोड है ये। और ये जो इसके पीछे बैग लटका हुआ है, ये वाटर प्रूफ वाला केस लगाया हमने बाहर से। ओहो अरे भाई यहाँ से तो खड़े होकर बाइक चलाने का ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखो भाई कहाँ पहुंच गए हम। तू मेरे आगे रह। ये ऑफ रोड का रास्ता बड़ा, ओए भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है ऑफ रोड वाला ये, इधर मजा आने वाला है। ये कैसा यहाँ पे रोड कैसी है ये? तो आज हम नया ऑफ रोड ट्राई करने वाले हैं, तो आज हम पूरे तवी में जाएंगे। ओहो तो खड़े होके मैं बाइक राइड करूँगा, खड़े होके क्या है कि जंप नहीं लगते हैं। अरे भाई साहब फंस गए हम। आगे ला, इस साइड से बाइक ला, अरमान जा आगे से साथ में। ओहो मजा आ गया यार आज, पहली बार मैंने अपनी बाइक की हालत ऐसी खराब की है। कैसा मजा आया। चल हम आगे चलेंगे। ओ भाई क्या हालत हो गई हमारी आज, जो यहाँ से रोड है ना क्या ही बताओ। अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं खड़े होके चलाऊंगा। ओ भाई साहब आगे सारा पत्थर आ गया, मेरे को नीचे आना पड़ेगा क्योंकि पत्थर में गिर सकते हैं हम, और जैसे गिरेंगे तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, मतलब अगर मैं खड़ा होगा तो फिर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। अब हम बिल्कुल नदी के पार जाएंगे, ये जो तवी वाली रिवर है ना ये बड़ी मस्त रिवर है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, ओ मेरी बाइक कैसे जा रही है यार, क्या बताऊँ मैं आपको। इसके लिए कंट्रोल बहुत होना चाहिए बंदे को। और ये देखो बाइक हमने कहाँ पहुँचा दी। ओ भाई ये RS 200 वाला देखो, देखो RS 200 वाला की कैसे फट रही है। RS ऐसे नहीं लानी है बाइक भाई, इसके लिए स्किल्स चाहिए। आजा देख, आजा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है ना। आजा चढ़ा पत्थर के ऊपर से। ओ भाई देख क्या हाल होता है। आगे ला बाइक आगे लगा, वहाँ से
ओहो ये देखो भाई गाइस, ये देखो प्लेस कहाँ पे अभी हम हैं। ये देखो यहाँ से इतनी बड़ी रिवर है, तभी रिवर। और ये देखो हमारी बाइक यहाँ पे लगी हुई है, और ये क्या लुका रही है बाइक की, और बाइक की हालत ख़राब कर दी है हमने। और ये देखो यहाँ से पीछे आपको दिखाता हूँ पीछे से क्या हालत हुई है बाइक की। ये देखो मेरी वाली की तो बहुत ही बुरी हालत है ना, और इसके वाली की उतनी हाई नहीं, बिल्कुल साफ बाइक है। तो क्योंकि ये गंदी होती नहीं है आरएस 200, ये बिल्कुल गंदी नहीं होती। मेरी वाली हालत ख़राब हो जाती है, खतरनाक मौसम। देखो गाइस ये देखो आपको एक साइड से दिखा देता हूँ मैं, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। और हमें बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कोई, पूरा यहाँ से सिद्धा पुल वो सामने है और यहाँ से कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके थे। क्या कर रहा है अबे ये देखो गाइस, ये क्या कर रहा है, और इसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, हालत ख़राब है। और ये बाइक देखो निकाल रहा है अभी, तो इसको बाइक निकल ही नहीं रही आरएस 200 वाले को। वो देखो क्या कर रहा है, इसको पीछे वाला टायर घूम रहा है। उतर नीचे उतर मैं निकालता हूँ, उतर। तो इसकी इसने अपनी बाइक फंसा दी, मेरा शूज़ गिला हो गया। रुके एक मिनट यार, पत्थर निकाल बाइक पीछे की। रुक एक मिनट, रुक, चल ये निकाल। ये बाइक ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो इसलिए पत्थर पे फंस जाती है। अरमान निकाल पत्थर, इस साइड वाला निकाल। रुके एक मिनट यार, रुक दे दे शिशु से दे दे ओए अरमान, तू उठा ये पत्थर सामने से, उठा मत टायर यार, ये टायर क्यों घूमता है। रुके एक मिनट, ओए ओए आरएस 200 की यार ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। हाँ निकाल तो यहाँ से, मैं अपने निकालता हूँ यार। बाइक निकालना यहाँ बहुत मुश्किल है, लाना आसान है। आजा बैठ तू अरमान के, पैदल चलेगा, चल तू। हाँ मेरी वाली बाइक निकालना बड़ा आसान है यार। ओ शिट मैन, ओए 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 ये देख क्या कर रहा है, तू आगे चल। बाइक निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ से यार। अब एक स्कीम हो सकती, खड़े होके बंदा यहाँ से बाइक निकाल सकता है। ओहो पत्थर ही बहुत ज्यादा है, क्या करेगा बंदा। निकल गए। अरे देखो, सो फाइनली गाइस, अभी हमने अपनी बाइक यहाँ से निकाल ली है। यहाँ से बाइक लाना बहुत आसान है, बट यहाँ से बाइक निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और तो आपको तो पता ही है हम मुश्किलों से खेलते हैं। यहाँ से हमने बाइक निकाल ली है आराम से, एक जगह थोड़ी सी बाइक फंस गई थी, आरएस 200 फंस गई थी, बट हाँ यहाँ से ओ भाई। और अभी ये सामने फिर से आ गया ये, तो अब मैं उस साइड से नहीं जाऊंगा, अब मैं इस साइड से जाऊंगा, आरएस 200 वाला उस साइड से आएगा। ओ आरएस की इस बार भी आरएस पीछे रह गया, चला जा निकाल, आज बड़ा मुश्किल काम है यहाँ इस साइड से। ओ हो 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 मैंने निकाल दिया बाइक अपना आरएस 200 वाला। हो इसके शूज गीले हो गए, तेरे शूज गीले हो गए, मेरे नहीं हुए, मेरे को मैंने को पता था पैर ऊपर ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ नीचे बाइक नहीं लगती। तेरी बाइक नीचे लगी देख, इसको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। चल अभी ये धुआं पड़ा क्या है, क्योंकि गर्म पानी पड़ा, ठंडा पानी पड़ा ना इंजन को,
इसको टेंशन नहीं है। तो अब हम ऑफ रोड करके वापस जा रहे हैं, ऑफ रोड हमने कर लिया है खत्म। अब हम ऊपर हाईवे पे जाके मिलेंगे सीधा, ये वाली रोड जो ऊपर जाके सीधा हाईवे पे मिलती है। आज के ऑफ रोड में बड़ा मजा आया, हमने अब प्लान किया कि हर संडे को हम ऑफ रोड किया करेंगे। हम हैं सिद्रा पुल पे और भाई यहाँ पे नई लुक डाली हुई है, तो क्या ही बताऊँ मैं। अरे भाई साहब जगह दे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो आज के ब्लॉग में यही सब था, होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, बाय।